भाई जी, अपने उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं? तो भुला, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर पहाड़ के शिखर पर कोई ना कोई मंदिर आपको जरूर मिलेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे पवित्र नगर भी आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे, और इसके साथ साथ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा, और पंच केदार, पंच बद्री जैसे तीर्थ स्थल आपको केवल उत्तराखंड में ही मिलेंगे, और उसके साथ साथ हमारे सभी देवी देवताओं की तपस्थली भूमि भी उत्तराखंड है। तो इसलिए इसे कहा जाता है देवभूमि उत्तराखंड। तो चलिए मेरे साथ वर्चुअली सही आप भी इसी पावन भूमि की यात्रा पे निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ काफी पसंद आएगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तो गाइस फाइनली 6 किलोमीटर और 2.5 घंटे की ट्रैक के बाद हम पहुंचे। पहाड़ को
डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। उत्तराखंड पर्यटन की ओर से।